पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में 5 दिवसीय योग शिविर का यह कार्यक्रम भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड के ऐतिहासिक भुसौला गांव में और वह भी विराट सूर्य मंदिर के प्रांगण में चल रहा है। और आज 5वें दिन हम लोग आरोग्य यज्ञ के माध्यम से, हवन यज्ञ के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक नई दिशा देंगे, एक नई स्वरूप के साथ यहाँ पर नियमित पतंजलि योग कक्षा का शुभारंभ करके इस गांव को योगमय बनाएंगे। और इस गांव के योग शिक्षक के रूप में आदरणीय भूवर कुमार जी को हमने चयन किया है और इस गांव में इनके नेतृत्व में योग क्लास चलेगा और गांव का एक एक व्यक्ति निरामय होगा, स्वस्थ होगा और सदाचारी होगा। तो आइए हवन यज्ञ की शुरुआत, हम आरोग्य यज्ञ की शुरुआत ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र से करेंगे। सब आंख बंद करेंगे और एक बार ओम का उच्चारण, एक बार गायत्री मंत्रों के हम जाप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो भाई आंख बंद करिए, सांस भरिए। का प्राणायाम करेगा आंख बंद करके और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम जो उच्चारण करेंगे उसका श्रवण करेंगे और अपने भीतर उसे स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्ने आसुव तू सर्वे सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे ढिंग जाता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजे, मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजे। ओम हिरण्यगर्भ समर्थताग्री भूतस्य जाता पतिरेकयासित सदाधार पृथ्वीम ध्यामुते मा कस्मै देवाय हविषा विधेमः, तू ही सम प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है, सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता है और टिकाता है, पहले तायब भी तू ही है घट घट में व्यापक स्वामी, योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम यय आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रतिशम यस्य देवः यस्य छाया मृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेमः, तू ही आत्मज्ञान वलदाता सुयस भी सुजन गाते हैं, तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं, तुझको ही जपना जीवन है मरण तुझे विसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमित तो महेश्वर की राजा जगतो बहुआ ये सदुपत कस्मै देवाय हविषा विधेमः, तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति जगाई है, मनुज और पशुओं को रचकर निज महिमा प्रगटाई है, अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर सब चरणों में आते हैं। ओम येन दुर्ग्रह पृथ्वी चढ़ा येन स्वयतम हेन नाक यो अंतरिक्षे रजसो अभिमान कस्मै देवाय हविषा विधेमः, तारे रविचंद्र आदि रचकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलग लखाया है, तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान करें, शुद्ध भाव से भगवान तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न तुदितान्यो विश्व जातानि परिता बभूव यत कामास्ते झुमस्तु वयम श्याम पतयो रैणाम, तुझसे भिन्न कोई जग में सब में तू ही समाया है, जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आश्रय पाया है, हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है, हेतु रहित अनुराग दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सन्नो बधुचरिता सविधाता नामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसान तृते धामन धेनतः, तू गुरु है प्रजेश भी तू है पाप पूर्ण फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है, भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू है अद्वैत महाप्रभु सर्व काल का ज्ञाता है। आप सभी लंबा गहरा सांस भरते रहेंगे,
प्रभु से बार बार यही प्रार्थना की, हे परमात्मा हम दोनों तरफ से, यानी हम भगवान सूर्य के मंदिर के सामने बैठे हैं और साक्षात भगवान सूर्य देवता की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही है, हम ऐसे पवित्र और पावन वातावरण में आजीवन शाकाहारी रहे, नशा मुक्त रहे और कभी भी मीट मछली अंडा खैनी बीड़ी सिगरेट का पावन हम लोग सेवन ना करें। यही है भगवान सूर्य का मंदिर बनाने का गांव का लक्ष्य। गांव के यदि मंदिर बना है तो मंदिर बनाने वाले का यही लक्ष्य होता है कि गांव में सब सदाचारी हो, सब सुखियारी हो, कोई दुखियारी ना हो और कोई मीट मछली अंडा दारू शराब खैनी बड़ी सिगरेट का सेवन ना करे। यही है सूर्य मंदिर बनाने का मेन मकसद और इस मकसद को आप कितना पूरा कर रहे हैं ये सब हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। ओम अग्ने ने सुपथारायस्मान विश्वानि देव विनानि विद्वानः युद्ध मजुराण मेनो भोज शांति नमः उक्ति विधेमः। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिर जनहार, तू ही रसना निसिन रटे तुम्ही को मन में बसना सदा तुही, अगे अनर्थ से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को भगवान दीजे यही विशद वरदान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।